खराब हो तो आप लोग क्या करेंगे? है ना, दैट लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज थर्सडे है एंड अभी इट इज़ सुबह का 8:30 एंड बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब है। वो तो आपको लिविंग रूम देख के समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट पे बनाया है माई फेवरेट डोसा। किस को ब्रेकफास्ट पे डोसा पसंद है मुझे बताना। तो चलिए अभी मैं खा लूंगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। एंड ये घर का बनाया हुआ बटर, ये शामिक के लिए। एंड डोसा के साथ सांबर खत्म हो गया है, बट आई मेड दिस नारियल का चटनी उसके साथ खा। मेरा ब्रेकफास्ट खत्म एंड शामी के लिए ना डोसा अभी आप लोग सोचेंगे दो दो प्लेट क्यों? नहीं, क्योंकि छोटा छोटा प्लेट है ना, तो मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। लाइक जब मैं बना रही थी ना, तो शामी को वाज लाइक कि मैं अपना नीचे से लैपटॉप लेके आता हूँ एंड देन मैं खाऊंगा, पर मुझे लगता है वो काम करने फिर नीचे चले गए, तो ही इज़ वर्किंग ओनली, मुझे तो पता है उनको। तो लेट मी मेक सम टी। एंड हाँ, आज घर से कोई भी नहीं है, बहुत सुना सुना है, क्योंकि रैक्स का आज ग्रूमिंग है तो वो ग्रूमिंग करने गया है, लाइक हम लोगों के विलेज के डे केयर पे। तो बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। अभी ना हम लोग एक शॉप पे आए हैं, लाइक इंडियन पाकिस्तानी शॉप है, वहाँ पे ना गोट बहुत अच्छा मिलता है। मैं जैसे बोल रही थी ना कि भाई मैरिज एनिवर्सरी संडे को है एंड यू नो हर दिन तो टाइम नहीं मिलता है ना, जैसे सैटरडे वी हैव पूजा, तो उस दिन डेफिनेटली हम लोग कुछ ऐसा नॉनवेज नहीं पकड़ेंगे। तो जो भी हो, तो वी केम वेरी अर्ली, तो हम लोग घर में भी आ गए एंड अभी इट इज़ क्वाइट लेट, क्योंकि हम लोग कितना बजे, आई थिंक सो 10:40 को ही आ गए थे, तो नाउ द टाइम इज 11:35। एंड घर कितना सुना सुना लगता है ना, एक आदत हो जाता है ना, रैक्स जब रहता है यू ना, अभी हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहता है ना, एक्चुअली देखा जाए तो मेरे साथ ही वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो अभी मैं नहा लूँगी क्योंकि आज थर्सडे है, तो मैं हम लोग नहीं, लाइक मैं जैसे लक्ष्मी पूजा देती हूँ तो मैं नहा लूँगी। तो अच्छा हुआ यू नो द शॉपकीपर वॉज सो नाइस ना, हम लोग द शॉप ओपन होता है 10:00 एंड हम लोग ऐसा 9:50 को ही पहुंच गए थे, तो ही सॉ अस एंड ही वाज लाइक कि हाँ हाँ हम लोग अभी ओपन कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो हम लोग को मटन लेना था एंड बहुत अच्छा लाइक मटन लाइक तभी कट करके दिया, तो थोड़ा मैं आज बनाऊंगी। एंड ये आई गॉट वन नाइस थिंग, वेट मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो सी द स्ट्रेनर इज़ क्वाइट बिग एंड ये ना मेल आई हूँ स्पेशली यू नो चिकन मटन जब हम लोग लाते हैं, फिश एंड ऑल यू नो वॉश करके फिर स्ट्रेन करने के लिए, तो इसमें और दूसरा मैं कुछ नहीं करूँगी। तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है ना कि पतला है, लाइक इट्स हेवी, तो मैं उसी लिए लाई हूँ क्योंकि लाइक मेरा चिकन जो भी हो यू नो नॉनवेज ट्रेन करने के लिए ना थोड़ा छोटा है, तो कभी कभी हम लोग ज़्यादा लाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने देखा एंड फिर मैंने देखा $9, तो मुझे लगा मैं तुरंत ले लेती हूँ। सी वो लोग को पता है कि मैं खाना दूंगी, तो चलो खा लो। एंड आज रैक्स नहीं है ना, इतना सुना सुना लग रहा है, नहीं तो हर वक्त वहाँ पे बैठा होता। एक्चुअली ना वन फनी थिंग, नहीं ऐसा आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या तो मुझे बताना ना कमेंट पे। मैं आप सबको लास्ट थर्सडे आई थिंक सो बोल रही थी कि रैक्स का ग्रूमिंग है, तो लास्ट फ्राइडे का ना रैक्स का ग्रूमिंग था ओके पेटस्मार्ट पे एंड द अपॉइंटमेंट वॉज एट 8:10। तो जब इतना सुबह सुबह अपॉइंटमेंट होता है ना, पेटस्मार्ट तो 9:00 ओपन होता है, तो वो लोग का जो ग्रूमिंग सेक्शन है ना, लाइक यू हैव टू गो एंड आपको एक बेल प्रेस करना है, फिर वो लोग अंदर से आएंगे एम्प्लॉय एंड ओपन करके देंगे एंड देन यू कैन टेक देम टू द ग्रूमिंग सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते ना वी रीच्ड एट यू नो 8:15 हो गया,
फिर ओनली 5 मिनट्स लेट हुआ है, देन वी वेंट एंड फिर हम लोग बेल प्रेस कर रहे हैं, वो लोग ओपन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे. तो 10 मिनट्स तक ना हम लोग बाहर खड़े थे. ओके, तो जब मैं बाहर खड़ी थी ना, फिर ना मैंने देखा मेरे फ़ोन पे कि एक मैसेज आया है. ओके, देन आई सो दे वर लाइक, नहीं हम लोगों ने आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया बिकॉज यू आर 10 मिनट्स लेट. तो फिर हम लोग अंदर गए, वो आया एंड ही ओपन. तो मैंने बोला अरे ओनली 10 मिनट्स लेट, यार आदमी तो 10 मिनट्स लेट हो ही सकता है. ओके, एंड देन वी वर लाइक किसी 5 मिनट्स हम लोग लेट हुए, देखने के लिए देखा जाए तो 5 मिनट्स तो हम लोग बेल ही प्रेस कर रहे थे, तुम लोग ही 10 मिनट बाद आए तो ओपन. तो दैट पर्सन वॉज लाइक नहीं 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 यू नो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया. तो इतना गुस्सा आया ना, बिकॉज पेट्समार्ट तो हम लोग के घर के सामने में नहीं है, लाइक एटलीस्ट तो हम लोग को 10-15 मिनट्स तो जाना ही पड़ता है, जाने में 15, आने में 15. फिर शॉपिंग इज लाइक कि अरे डॉक्टर के वहाँ पे भी जाते हैं तो 10 मिनट पे कौन अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है, राइट? हाँ, एटलीस्ट 1/2 आवर बाद वो लोग कैंसिल करते हैं. तो दैट पर्सन इज लाइक हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, हम लोग विद इन 10 मिनट्स कैंसिल कर देते, फिर क्या करेंगे. फिर हम लोगों ने और पेटस्मार्ट पे विद इन बुक, फिर हम लोगों के यहाँ पे विलेज के यहाँ पे हम लोगों ने बुक कर दिया. तो इसलिए आज वो यहाँ पे गया है. ऐसा विलेज का यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा है, वो लोग दे लाइक द लेडी जो है ना, शी इज सो गुड. एंड हम लोग की विलेज की लेडी है ना, बट ओनली वन प्रॉब्लम इज ना, फॉर दैट हम लोग वहाँ पे रैक्स को नहीं छोड़ते, यू नो जब हम लोग व्हेन वी गो फॉर लॉन्ग आवर इज पता नहीं, वो लोग के वहाँ पे ना सम स्मेल इज देयर. तो रैक्स जब भी आता था ना, उसके लाइक बॉडी से ना कुछ एक स्मेल करता था, लाइक आज तो जैसे कि वो शावर होगा एंड बहुत ही एक अजीब स्मेल आता है. तो फॉर दैट स्मेल ना हम लोग भेजते ही नहीं है. फिर क्या होता है, वो स्मेल लाइक इट्स क्या बोलो, डिसगस्टिंग स्मेल होता है. तो आप लोग बताना ना किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या. हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है, समटाइम ना पेट स्मार्ट पीपल आर लिटिल बिट रूड लाइक हम लोग के यहाँ पे. तो चलिए अभी जाके खाना बनाते हैं. एंड मैं सोच रही हूँ दोपहर के लिए ना लिटिल बिट, अभी मैं गोट बोलूँगी तो बहुत जन बोलेंगे मटन क्यों नहीं बोला, जो भी हो यहाँ पे वो लोग बेचते हैं बोल के बेबी गोट. हाँ, तो थोड़ा मैंने अलग करके लाइक थोड़ा मैंने वॉश करके क्लीन करके रख दिया है. तो आई एम प्लानिंग टू मेक यखनी पुलाव, क्योंकि यखनी पुलाव बहुत ईजी है एंड थोड़ा लाइट भी है. एंड उसके साथ मैं एक चिकन बनाऊंगी. पता नहीं कल का चिकन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, कोई ऐसा डे होता है ना. तो आई विल मेक ए सिंपल चिकन एंड इसके साथ टेस्टी लगेगा, क्योंकि तो फ्राइडे है ना, कल हम लोग का थोड़ा प्लान भी है मेरा और राय का, तो फ्राइडे में भी यू नो हो जाएगा. तो यखनी पुलाव बनाने के लिए ना लाइक बिरयानी का जो जो मसाला है ना आपको होल ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जयवेत्री है, थोड़ा थोड़ा अपने अंदाज से, मैं इतना डिटेल्स में नहीं बोल रही हूँ. सिनेमन स्टिक है, मैं थोड़ा ड्राई रेड चिली भी दे रही हूँ. फिर गार्लिक, फिर जिंजर को मैंने एक बार थोड़ा ऐसा कूट लिया है, बेल लीव्स, हाफ अनियन, लाइक दिस इज ऑल मोस्ट ऑफ द बिरयानी मसाला है. तो अभी ना मैं आई ऑलवेज प्रेफर चीज क्लॉथ, तो अभी हम लोग इसका एक पोटली बना देंगे. मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट से रेसिपी बता रही हूँ, इफ यू वांट आप चिकन से भी बना सकते हैं. तो चलिए इसको टाइट करके बांध लेते हैं. एंड यहाँ पे अराउंड मैं बोलूंगी 500 ग्राम्स ऑफ मटन है. तो पर पानी ना आपको, जैसे कि मैं 5 कप राइस बनाऊंगी तो यहाँ पे मैंने 4 कप ऑफ वाटर दिया है, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड बस अभी प्रेशर कुक करेंगे. तो अभी मैं इसमें 3 सीटी दूंगी एंड अगर चिकन से बनाए ना जस्ट 1 सीटी, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है. अभी इसको मैं 100% कुक नहीं करूंगी, मे बी 75%, क्योंकि बाकी का जो प्रोसेस है ना मैं वो प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी तो थोड़ा इजी हो जाता है. तो अभी मैं प्याज कट करूंगी, उसके बाद यू नो आई विल मेक द चिकन. मैंने चिकन ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया है. सी, मैंने चिकन ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया है. बहुत ही इजी, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर थोड़ा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, दैट्स इट. एंड ये तो चिकन का रेसिपी है. मैंने थोड़ा प्याज दिया है, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली एंड एक टमाटर दे दिया है. तो टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएगा देन आई विल ऐड द चिकन, एंड चिकन तो मैरिनेटेड है ही, तो बाकी और कुछ भी मैं ऐड नहीं करूंगी. तो थोड़ा जब सीटी मारना लाइक ऐसा स्टार्ट होना साउंड, दैट टाइम ना फ्लेम को ना मीडियम पे कर दीजिएगा. एंड आई थिंक सो 3 या 4 सीटी बस हो जाएगा. इट टोटली डिपेंड्स यू नो अपॉन द क्वालिटी ऑफ द गोट, नहीं तो मटन यू नो फिर सब लोग बोलेंगे गोट बोल दिया, गोट बोल दिया. तो आई थिंक सो दैट्स इट. मेरे पास ना थोड़ा कोकोनट का चटनी है, तो मैं क्या करूँगी, ये ना चिकन मैं ऐड कर दूंगी तो टेस्ट यू नो थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा.
एंड नहीं तो चटनी ऐसा रहेगा तो किसके साथ खाएंगे। तो क्या होता है, दो दिन बाद हम लोग फेंक देते हैं। वो सबके घर में मुझे लगता है होता ही होता है, जो भी जितना यू नो परफेक्ट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे माई कॉमन डायलॉग कि हम लोग सब इंसान है एंड हम लोग ये सब गलती तो कर ही देते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा कोकोनट का चटनी ऐड कर दिया है, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, एंड फिर अच्छी तरीके से भूनना है। तो ये रहा पानी जिसको यखनी बोलते हैं, एंड बाकी का प्रोसेस ना मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी तो इजी होगा। तो ये यहाँ पे मैंने मटन भी निकाल लिया है, एंड सी ये ना आपको अच्छे तरीके से यू नो निचोड़ लेना है ताकि जो लाइक जितने सारे फ्लेवर्स है ना सब इस पानी में आ जाए। तो बस अभी मैं ये फेंक दूंगी एंड चलिए। तो अभी मैं प्रेशर कुकर को अच्छी तरीके से वॉश कर लूंगी। तो अभी मैंने इसमें ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ घी दिया है। तो फर्स्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑफ शाहजीरा ऐड किया है, फिर 1 अनियंस एंड 4 से 5 ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। नाउ आई हैव एडेड द मटन, ताकि मटन ना अच्छी तरीके से फ्राई हो, ताकि वो कच्चापन ना रहे। तो फिर उसके बाद मैं इसमें अराउंड 1 टीस्पून ऑफ बिरयानी मसाला ऐड करूंगी, वो मैं बाद में ऐड करूंगी। फर्स्ट मैं इसमें अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ दही ऐड कर रही हूँ, एंड देन आई विल ऐड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ बिरयानी मसाला। बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। ऐड सॉल्ट इन इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नो मोर गरम मसाला, बिकॉज द यखनी का पानी ओनली इज द मेन। तो अभी मैं मेजर करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो पानी का प्रोपोर्शन शुड बी परफेक्ट। तो फॉर अराउंड 5 कप ऑफ बासमती राइस आई एम एडिंग अराउंड 5.5 कप ऑफ वाटर, सॉल्ट। तो अभी चावल ऐड कर देंगे, लाइक यखनी पुलाव में ना चावल को फ्राई एंड ऑल नहीं करना है, थोड़ा लाइक वाटर जो है ना थोड़ा नमकीन ज्यादा होना चाहिए बिकॉज वी आर एडिंग राइस। अभी मैं एक बहुत ही सच्ची बात बोलने जा रही हूँ, मेरा एंड प्रेशर कुकर का ना इतना अच्छा नहीं जमता है, हम लोग का जुगलबंदी इतना अच्छा नहीं होता है। सम हाउ आई डोंट ट्रस्ट प्रेशर कुकर। जब भी ऐसा राइस करना होता है ना, कुछ भी डिफरेंट तरीके का पुलाव हो, आई कैन मेक ए लॉट ऑफ राइस रेसिपीज, मोस्ट ऑफ यू नो दैट, पर मैं ना आप देखेंगे हर वक्त मैं जैसा पॉट में होता वैसा बनाती हूँ, स्पेशली ना जहां पे वेर यू कैन सी हाँ क्या हो रहा है। बट दिस इज समथिंग आई डोंट ट्रस्ट, पर आज मुझे और बर्तन नहीं भराना था इसलिए मैंने प्रेशर कुकर पे दे दिया है। तो जब सीटी मारना स्टार्ट हुआ था ना, फिर मैंने अभी मीडियम पे कर दिया है। तो कुछ तो आज एक प्रॉब्लम हुआ है ये कैमरे का बैटरी के साथ, अब तक मैंने 3 बैटरी चेंज कर लिया है। तो जो भी हो, तो मैंने अभी ना इसको मीडियम पे कर दिया है, एंड आई होप सो नीचे पे ना चिपके एंड ठीक तरीके से बन जाए। तो चिकन ऐड कर दिया है, एंड चिकन में तो मैरिनेशन था ही, तो अभी अच्छी तरीके से भूनना है, एंड भूनते भूनते चिकन हो गया है हम लोगों का रेडी, एंड सी चिकन इज लुकिंग परफेक्ट। तो अभी थोड़ा बहुत काम है क्लीनिंग एंड ऑल, वो मैं थोड़ा बाद में करूंगी, मैं थोड़ा बैठना चाहती हूँ अभी। तो नाउ द टाइम इज 2:15, एक्चुअली काफी लेट हो गया है, बट चलो होगा। आई विल मेक लिटिल बिट रायता, क्योंकि रायता पसंद है। एक्चुअली मुझे अपने आई डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि हम लोगों का टाइम हो गया, आई थिंक सो फेब्रुअरी पे लास्ट मैंने दिखाया था। तो मैं सोच रही हूँ ना इस बार मैं ये फ्रेम इतना खराब है ना, पता नहीं मैं जब जाती हूँ ना, मैं हर वक्त जो फ्रेम सबसे खराब होता है वही मुझे वहाँ पे पसंद आता है, पर हाँ ये बहुत ही पतला है। तो चलिए अभी रिजल्ट का टाइम है। या इट्स लुकिंग परफेक्ट, लेट मी सी। तो आज बहुत परफेक्ट हुआ एंड सी नीचे में कुछ भी नहीं लगा जिसका मुझे डर था, जैसे कि ना दिस इज वेरी लाइट, यखनी इज वेरी लाइट सी। और मैंने क्या ऐड किया, मैंने बहुत ही कम, इतना यू नो अराउंड 1 टीस्पून ऑफ बिरयानी मसाला ऐड किया बस, और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये ना काफी अच्छा लगता है एंड बहुत जल्दी बन जाता है, बट समवेयर आई फील ना यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है कंपेयर टू द चिकन वन। तो मैं बोलूंगी काफी अच्छा लंच हो गया है, लाइक अगर आप गेस्ट को बुला के भी खिला सकते हैं, एंड इट टुक मी हार्डली 1 आवर, क्योंकि यू नो चॉपिंग एंड कटिंग तो ज्यादा कुछ नहीं था, एंड मटन भी
काफी अच्छे तरीके से कुक हुआ है एंड द चिकन इज ऑल्सो वेरी टेस्टी. एक्चुअली इसके साथ काफी अच्छा जाएगा. तो अभी मैं शॉमिंग फ्राई आ चुकी है एंड कल रात को आई थिंक हाउ मेनी आवर्स डू यू टेक या 2 घंटा लगा के मैं आप सबको दिखाती हूँ राई ने क्या बनाया. ओहो राई तुम मुझसे राई ने ये बैंडाना बनाया सी इट्स सो ब्यूटीफुल. बहुत ही अच्छा डिजाइन है बहुत खूबसूरत है एंड ओपन इट एंड ओपन करके भी लाइक बहुत परफेक्ट बनाया है. तो ये बहुत ही खूबसूरत हुआ है ना एंड इतना जल्दी बना लिया से फुल. चलो अभी हम लोग खाना खाएंगे. ओह मैच भी करता है. चलो जिसको जिसको चाहिए इसके साथ ये फ्री. नहीं नहीं कुछ ज्यादा हो गया राइट. एंड बोलते हैं ना दैट लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. मैं आप सबको बोल रही थी ना कि रैक्स का शावर था तो फिर मैंने बोला भी था कि शावर हो गया तो राय आई ना. फिर मैंने राय को बोला तुम नहा लो फिर हम लोग रैक्स को लाने जाएंगे. तो शॉमी का एंड आई वाज मेकिंग टी ओके फिर फोन आया. इट सीम्स रैक्स का ना लेग्स कट हो गया है सी. ओ माई बेबी सी एक लेग. तो तुरंत अभी हम लोग रैक्स को ना लाइक वो लोग बोल रहे थे वो लोग ही लेके जाएंगे. फिर हम लोगों ने बोला नहीं नहीं हम लोग लेके जाएंगे. क्या हुआ तो अभी हम लोग घर पे आए हैं लाइक उसका लीश लेने क्योंकि वी नीड द लीश ना. तो लीश लेके तो अभी हम लोग हॉस्पिटल पे जाएंगे. तो अभी ना हम लोग एनिमल हॉस्पिटल आए हैं. पहले वो लोग बोल रहे थे वो लोग ही लेके जाएंगे. फिर हम लोग बोला नहीं नहीं आप लोग अपॉइंटमेंट ले लो हम लोग लेके जाएंगे. पता नहीं यार दे आर सेइंग स्टिच भी लग सकता है तो डर लग रहा है यार ऐसा बुरा लग रहा है. ही वाज सो फाइन इन द मॉर्निंग एंड ऐसा कुछ हो जाए तो क्या और कर सकते बट देन ऑल्सो यार बहुत ही बुरा लग रहा है. पर वो लोग ने अच्छी तरीके से ना पट्टी एंड ऑल करके दे दिया है एंड इट्स एन एक्सीडेंट ना. आप तो कुछ बोल भी नहीं सकते व्हाट यू विल यू से. एंड मैं क्या बताऊ आप सबको रैक्स का हालत देखो. उसको तो लाइक कोन पहना के दिया था तो हम लोगों ने ना कोन निकाल दिया बिकॉज विद कोन ना इट इज सो टफ. ही इज वेरी स्लीपी. टेक हिम अपस्टेयर्स. या टेक हिम बी वेरी केयरफुल ओके. देखिस किंतु माँ If you can take care, then only take him. Otherwise, give it to me. तो हाँ मैं आप सबको बोल रही थी ना फिर शॉमिक ना लेके गए. You won't believe we reached there at 4:20 and अभी हम लोग आए हैं. अभी now it is 6:10 like 6 o'clock हम लोग घर के अंदर आए. तो फिर शॉमिक ना नहीं आ रहे नहीं आ रहे. तो मैंने शॉमिक को ना फोन किया तो शॉमिक मुझे बोल रहे वो लोग अंदर लेके गए हैं देखने को. मैं एक रूम पे हूँ. तो जो भी हो फिर फिर आई थिंक सो आफ्टर कितना 45 मिनट शॉमिक ने मुझे फोन किया एंड ही वाज लाइक कि इट सीम्स लाइक वो लोग अभी हम लोगों को जो बोला है ना वो लोग ने बोला है कि लाइक नहाने के बाद ना वो लोग ऐसे क्रीब में रखते हैं ताकि वो लोग क्लीन रहे. अगर फिर खेलने चले जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे. दिस आई थिंक सो दे डू इन एवरी प्लेस. तो वो लोग जब क्रीब में रखा ना तो इट सीम्स उसने जंप किया एंड कहीं पे कुछ लग गया लाइक अंदर इसके ऐसा छीर गया कुछ कट हो गया. तो हम लोग को लगा चलो कट हो गया पर फिर डॉक्टर ने बोला ना कुछ कट तो हुआ है लाइक कुछ एक अंदर लाइक आर पार चला गया इट सीम्स समथिंग. तो फिर यार ही गॉट सो मेनी स्टिचेस. इतना क्या बोलो ऐसा होगा कभी भी नहीं सोचा था. एंड फिर वो लोग ने सी ये कोन लगा के दिया तो कोन हम लोगों ने निकाल दिया. दिस कोन इज नॉट एट ऑल नाइस. ऐसा हम लोगों के पास 2 कोन है एंड अभी इतना दिनों से इफ यू आर अ डॉग ओनर यू डेफिनेटली नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. अभी ये दिस आर समथिंग ना जो पहले मुझे इतना समझ में नहीं आता था बट आई एम श्योर जो लोग के पास ही कोई भी पेट हो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. ये लोग ना अपने बच्चे जैसे ही होते हैं. अभी बहुत जन बोलेंगे कैसे बच्चे. दिस इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड तो मैं क्या बताऊं. और फुल अभी देन इसको इंजेक्शन लगा पेन किलर का. अभी रात के लिए फॉर 7 डेज हम लोग को एंटीबायोटिक दिया है एंड बोला है बिल्कुल 2 दिन तक तो बिल्कुल भी बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं. उसके बाद थोड़ा थोड़ा लाइक ये जैसे भागता कूदता रहता है ना ये उसको बिल्कुल भी नहीं करना. इतना बुरा लग रहा है ना सही. अगर ऐसा होता कि खेलने गया या हम लोग कहीं पे रख के गए या ग्रूमिंग करने जाओ एंड ऐसा हो जाए तो कैसा लगता है. बट क्या करे एक्सीडेंट कैन हैपन. अभी वो लोग को भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते.
हो सकता है जब उसको क्रीम में दिया ही गॉट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो घर में आप लोग ने देखा होगा ना, हर वक्त हम लोग बहुत ओपन रखते हैं ना, कभी भी कुछ भी नहीं रहता है, उसके गले में भी कुछ नहीं रहता है, तो कभी भी इसलिए मे बी बंद जगह पे ना ही गेट्स वेरी स्केयर्ड, मे बी फॉर दैट रीजन। जो भी वो बोलते हैं ना, अगर लक खराब हो तो आप लोग क्या करेंगे, बट ऐसा ये दिन खत्म होगा ना कभी नहीं सोचा था। आई एम सो लाइक इतना मुझे टायर्ड लग रहा है ना। तो राय अभी लेके गई है, राय इज लाइक मम्मी तुम जाके रेस्ट लो, मैं इसको रेक्स को अपने पास रखूंगा। फिर आके ना लाइक ए छोटा बच्चा के जैसा ना, जहाँ पे मैं और रेक्स हर वक्त बैठते हैं ना सोफा सेट पे ना, मैंने बोला रेक्स आओ, तो सोफा सेट से जाके ना लाइक मैं क्या बताऊ, लाइक मेरे ना गोदी में सो गया। तो चलिए आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, और मैं क्या बताऊ और आप सबको, दिस इज ओनली हाउ लाइफ है, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली जो भी होता है वी हैव टू फेस इट। चलिए आप लोग सब अच्छे से रहिए, आई विल मीट यू ऑल मंडे विथ ए न्यू वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हाँ एंजॉय योर वीकेंड, एंड हाँ जो लोग मेरे बंगाली व्यूअर्स है, हैप्पी सरस्वती पूजा।